सियालकोट इंतजामिया के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की मुबैना हाउसिंग कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई, दफातर मिसमार कर दिए, साबिक मेयर तौहीद अख्तर का प्लाजा भी गिरा दिया गया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस की भारी नफरी मौजूद, इलाके को घेरे में लिए रखा। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में तल्ख कलामी हुई। साबिक मेयर तौहीद अख्तर कहते हैं लीगी रहनुमाओं को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दफातर के अंदर 6,32,00,000 रुपए मौजूद थे जो नहीं निकालने दिए गए। डैनियल पर्ल कत्ल के सुप्रीम कोर्ट में अहमद उमर शेख की रिहाई के हुक्म के खिलाफ सिंध हुकूमत की नजरसानी दरखास्त पर समाअत कल होगी। जस्टिस उमर अतिया बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। डैनियल पर्ल केस में मुलजमान की बरियत के खिलाफ विफाक ने सिंध हुकूमत की नजरसानी अपील में फ्रीक बनने का फैसला कर लिया। जल्द फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर की जाएगी। कोरोना वैक्सीन की पाकिस्तान मुंतकली के इंतजाम मुकम्मल, एयरफोर्स की खिदमात हासिल कर ली गई। तैयारा चीन रवाना, पहली खेप में कोरोना वैक्सीन की 5,00,000 खुराकें आएंगी। कोरोना के वारी जार वायरस 24 घंटों में मजीद 34 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अंबाद की तादाद 11,657 हो गई। मजीद 1,599 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,54,813 अफराद में कोरोना में मुबतला। 4,99,000 अफराद सेहतयाब। 33,182 मरीज जेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 22,29,000 हो गई। मरीजों की तादाद 10,31,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,50,000, ब्राजील में 2,23,000, भारत में 1,54,000, मैक्सिको में 1,58,000, रूस में 72,000, फ्रांस में 75,000, बरतानिया में 1,05,000 और सऊदी अरब में 6,372 अमवात। कोवैक्स से 1,70,00,000 वैक्सीन डोज फराहम करने का खत मौसूल हो गया। असद उमर का इंकशाफ, वैक्सीन फरवरी से मिलना शुरू हो जाएगी। 60,00,000 वैक्सीन मार्च तक मिल जाएंगी। तमाम 17 मिलियन डोज 2021 की पहली शिशमाही में मौसूल हो जाएंगी। अपोजिशन इतिहाद का सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने की आईनी तरमीम की भरपूर मुखालफत का फैसला। पीपल्स पार्टी, नू लीग, JUI ने इत्तेफाक कर लिया। अपोजिशन जमातों के सीनियर रहनुमाओं में राबता। कौमी असेंबली इजलास से कबल कल अपोजिशन की अहम मुशावरती बैठक होगी। इमरान खान, तुम हमारे एहतसाब की बातों को भूल जाओ, पहले अपनी जान छुड़वाओ। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हिकमत अमली तब्दील करके सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया। अगर हिस्सा ना लेते तो ना अहलों से सेनेट भर जाता। बेहतरीन तरीके से अपना कार्ड खेल रहे हैं। एक इदारे नहीं, पाकिस्तान को मजबूत बनाना होगा। हुक्मरान बेवकूफ़ और हमाकतों के दरियाओं में डूबे हुए हैं। मरियम नवाज कहती हैं हक और सच पर डटे रहना और इसके लिए तकालीफ बर्दाश्त करना बुजदिल लोगों का काम नहीं। अवामी नुमाइंदों पर इल्जामात और बहतान तराशी करना आसान, मगर इसका भी एक योम हिसाब है। साजिशों को बेनकाब करने की कुदरत के अपने तरीके हैं। मरियम नवाज का ट्वीट। वफाकी वजीर हवासबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं ओपोजिशन तहरीक इंसाफ का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ओपोजिशन का दामन दागदार है। इमरान खान और नवाज शरीफ में ये फर्क है कि नवाज शरीफ के पास जायदाद के हवाले से जवाब नहीं, जबकि इमरान खान ने अपना जमान पार्क और बनी गाला वाला घर शौकत खानम हस्पताल के नाम किया हुआ है। PDM ने आज तक तमाम गंदे खेल खेले हैं। मुस्लिम लीग नून जमीर का सौदा करने की मास्टर है। मौबने खसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड बेहतरी आई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट खत्ते की दूसरी, दुनिया की 7वीं बेहतरीन मार्केट बनकर सामने आई। हुकूमत की मौशी कामयाबियां करप्ट सियासतदानों के मुंह पर जनाटेदार तमाचा है।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि हुकूमत साबिक दौर की गलतियां और खराबियां दूर कर रही है। सूबाई हुकूमत की तवज्जो पसमानदा इलाकों की तरक्की पर है। कौमी वसाइल को नुमाइशी मंसूबों की नज़र करके मुल्क पर जुल्म किया गया। जबानी जमा खर्च का वक्त गुजर चुका, अब सिर्फ काम होता है। कौमी एयरलाइन PIA का फसाई में जुबान रमजान गोल कैनेडा में पुरअसरार तौर पर लापता। वो इस्लामाबाद से PIA की परवाज से टोरंटो पहुंचा था। PIA इंतजामिया ने गुमशुदगी का नोटिस ले लिया। जाबते की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वफाकी वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। वफाकी काबीना का इजलास 2 फरवरी को होगा। काबीना के इजलास का 9 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। मुल्की सियासी मौशी सूरत हाल पर गौर होगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आवाम के लिए बुरी खबर, पेट्रोल पंप गिरने को तैयार। 12 रुपए लीटर तक इजाफे का इम्कान। समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इस साल पेट्रोल 12 और डीजल 10 रुपए लीटर महंगा करने की तजवीज। मिट्टी का तेल 7 रुपए और लाइट डीजल 5.5 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज। हतमी फैसला वजारत खजाना की सिफारिश पर वजीर आजम करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं मुल्क में जुल्म और जबर का निजाम मुसल्लत है। करप्शन दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। हुकूमत गैर संजीदा और नाकामी से दो चार। असम्बली में बैठे जागीरदारों और सरमायादारों में करोड़ों तकसीम हो चुके हैं। मुल्क में ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं। अक़वामे मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं मसला कश्मीर का फौजी हल नहीं है। पाक भारत फौजी तसादुम न सिर्फ दोनों मुल्कों बल्कि दुनिया के लिए तबाही होगा। दोनों ममालिक मसाइल के हल के लिए संजीदा मुज़ाकरात करें। मुत्तहिदा अरब अमारात की गैर मुल्की ताजिरों, तिब्बी माहिरीन, साइंसदानों, मुसन्निफीन और बासलाहियत हुनरमंद अफराद को शोहरियत देने का ऐलान। कानून में की जाने वाली तरमीम में गैर मुल्की के लिए दोहरी शहरियत रखने का ऑप्शन भी शामिल।